हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के खड़द्दा गांव में स्थित वागड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री क्षेत्रपाल मंदिर में हनुमान जयंती पर मंगलवार को मेला भरा। मंदिर में भगवान क्षेत्रपाल और हनुमान जी की प्रतिमाओं की आकर्षक आंगी की गई थी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर और बड़लिया महाराज के मंदिर में भी मनोहारी श्रृंगार किया गया था। आसपास के गांवों सहित दूरदराज के कई श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना में भाग लिया। इसके बाद दोपहर में भगवान की प्रतिमा को रजत पालकी में विराजित कर कलशों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के आदिवासी फलों और धुनियों के श्रद्धालु भक्त मंडलियां धर्म पताकाएं लेकर ढोलकुंडी बजाते हुए क्षेत्रपाल दादा के जयकारे लगाते चल रहे थे। पालिका यात्रा में इस बार कोटा से कलाकार आए, जिसमें 8 फीट के हनुमान और भैरव की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा नंदौड़ से ढोल के कलाकार और हमारे वागड़ की संस्कृति को दर्शाया गया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा मोरन नदी तट पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण हुआ। मोरन नदी से जल भरकर धर्म प्रभावना के साथ महिलाएं वापस मंदिर पहुंची और जल क्षेत्रपाल दादा के चरणों में समर्पित किया। इधर धर्म भाव से आए लोगों ने दर्शन के बाद मंदिर परिसर के बाहर लगे मेले का आनंद लिया। मेले में खिलौने, श्रृंगार सामग्री, जलपान, घरेलू सामग्री सहित विभिन्न वस्तुओं की लगी दुकानों पर जमकर खरीदारी की। मेले में सूरजगाम, दीवड़ा छोटा, दीवड़ा बड़ा, जोगपुर, चीत्री, बड़की, सैलोता, खुटवाड़ा, खुमानपुर, डियाना, अम्बाड़ा, गौरेश्वर, घोटात, पुनर्वास कॉलोनी, सागवाड़ा, गोवाड़ी सहित आसपास के विभिन्न गांवों से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण शामिल हुए।